ऑडिट सैम्पलिंग SA530 ऑफिस में हम कई बार यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल से हम ऑडिट पे गए, कंपनी का सेल्स 10,000 एंट्रीज है टोटल, हम एक एक एंट्री वाउच नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं ऑडिट सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल से हमने 1,000 एंट्रीज वाउच की, ठीक है, तो वो 1,000 एंट्रीज सैम्पल है, 10,000 एंट्रीज जो है टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। अभी पढ़ते हैं ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब। एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स, हमारे केस में 1,000, सच दैट ऑल यूनिट्स हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि अनबायस्ड वे में हमें सिलेक्शन करना है, विथ अ रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट इंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। 1,000 एंट्रीज की ऑडिट करके, 1,000 एंट्रीज पे ऑडिट प्रोसीजर लगा के हमें इंटायर पॉपुलेशन यानी कि 10,000 एंट्रीज का कंक्लूजन निकालना है, ओके। अब रीजनेबल बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। हमारे केस में क्या है, 10,000 एंट्रीज है, हम 10,000 एंट्रीज पे डायरेक्टली सैम्पलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। पहले हम 10,000 एंट्रीज को सब पॉपुलेशन में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल से फर्स्ट सब पॉपुलेशन इज लार्ज वैल्यू आइटम्स, लार्ज अमाउंट वाले, से 1,00,000 एंड अबव अमाउंट वाले जो एंट्रीज है उसको फर्स्ट सब पॉपुलेशन बोलते हैं। उस पर हम से एक एक एंट्री चेक करेंगे। सेकेंड सब पॉपुलेशन से हम 10,000 अमाउंट से लेके 1,00,000 के बीच में जो है उस पर हम अलग रेट लगाएंगे, से 30% या 40% एंट्रीज वाउच करेंगे। वैसे ही बिलो 10,000 अमाउंट के हम कम चेक करेंगे, 10% एंट्रीज चेक करेंगे या 20%, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रीजनेबल बेसिस। डायरेक्टली हम 10,000 जो टोटल एंट्रीज है, नंबर ऑफ एंट्रीज, ठीक है, अमाउंट और एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज के बीच में कन्फ्यूज नहीं होना, जो 10,000 नंबर ऑफ एंट्रीज है उस पर डायरेक्टली सैम्पलिंग नहीं अप्लाई कर सकते, रीजनेबल बेसिस होना चाहिए कोई। वैसे ही रीजनेबल बेसिस का अदर एग्जांपल है, कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जिसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होता है, तो वो हमें एक एक एंट्री चेक करनी है, ठीक है। सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, रिस्क दैट ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल, जो ऑडिटर ने सैंपल के बेस पे कंक्लूजन निकाला, यानी 1,000 एंट्रीज पे ऑडिट प्रोसीजर लगा के जो कंक्लूजन निकाला वो डिफरेंट है, किससे डिफरेंट है, कंक्लूजन इफ इंटायर पॉपुलेशन वॉज ऑडिटेड, यानी कि 10,000 एंट्रीज पे अगर ऑडिट प्रोसीजर लगाता था तो उसका जो कंक्लूजन आता था उससे डिफरेंट है। इसका जो ऑडिट सैम्पलिंग का जो मेन पर्पस है टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट इंटायर पॉपुलेशन, वो यहाँ पे डिफीट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम सैम्पलिंग रिस्क। अब सैम्पलिंग रिस्क से टू टाइप ऑफ एरर्स जनरेट हो सकते हैं। सैम्पलिंग रिस्क कैन लीड टू टू टाइप ऑफ एरोनियस कंक्लूजन्स। टाइप वन एरर में पहला तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, सैंपल के बेस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर। हम सैंपल के बेस पे ये कंक्लूड करते हैं कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव है, बल्कि एक्चुअल में उतने इफेक्टिव नहीं है। और दूसरा टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में, टाइप वन एरर में दैट अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। सैंपल के बेस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, व्हेन इट इन फैक्ट इट डज, ठीक है। टाइप टू एरर है एकदम ऑपोजिट, सैंपल के बेस पे कंक्लूजन निकाला कि कंट्रोल आर लेस इफेक्टिव बट एक्चुअल में उससे ज्यादा इफेक्टिव है। सैंपल के बेस पे कंक्लूजन निकाला कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जबकि इन फैक्ट नहीं है, ठीक है। ऑडिटर कंसर्न किससे है, ये टाइप वन एरर से है कि टाइप टू एरर से? एक्चुअली ऑडिटर कंसर्न है टाइप वन एरर से। क्यों टाइप वन एरर से? क्योंकि टाइप वन एरर में जो हमारा मिसस्टेटमेंट है,
हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया, मिस स्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, बट जबकि मिस स्टेटमेंट है पॉपुलेशन में। हाँ, तो इस एरर के वजह से हमारा जो ऑडिट ओपिनियन है वो अफेक्ट होता है। बट इस एरर में क्यों नहीं अफेक्ट होता है ऑडिट ओपिनियन, इनिशियली तो हम सैंपल के बेस पे कंक्लूजन निकालेंगे कि मिस स्टेटमेंट है, बट जब मिस स्टेटमेंट मिलता है हमें तो हम इन डेप्थ में जाते हैं और उसके और मिस स्टेटमेंट्स है कि नहीं पूरे पॉपुलेशन में वो चेक करते हैं, तो तब हमें पता चल जाता है कि एट द एंड हमें पता चल जाएगा कि फैक्ट इन फैक्ट मिस स्टेटमेंट्स नहीं है उतने जितने हमने सैंपल के बेस पे कंक्लूड किए थे। इससे हमारा ऑडिट एफिशिएंसी इफेक्ट होगा। अभी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट, सैंपल डिजाइन साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग। व्हेन डिजाइनिंग ऑडिट सैंपल कंसीडर, क्या करना है, दो चीजें, पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जो ऑडिट प्रोसीजर हम अप्लाई कर रहे हैं उसका पर्पस, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन में हमने जो एग्जांपल लिया कि हम पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशंस में डिवाइड करते हैं वो, और इसमें और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन को हम दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, एक रिपीटेटिव एक नॉन रिपीटेटिव एंट्रीज। जो नॉन रिपीटेटिव है उसको 100% सैम्पलिंग कर सकते हैं, 100% वाउच कर सकते हैं, और जो रिपीटेटिव है उस पर हम सैम्पलिंग लगा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, साइज, डिटरमाइन अ सैंपल साइज सफिशिएंट टू रिड्यूस सैंपलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। ये जो सैंपल साइज है और सैंपलिंग रिस्क है इसका इनवर्स रिलेशनशिप है, जितना ज्यादा सैंपल का साइज होगा उतना ही सैंपलिंग रिस्क कम होगा, ठीक है। जो हमने लेवल डिसाइड किया है कि टॉलरेबल लेवल कुछ डिसाइड करेंगे कि इतना सैंपलिंग रिस्क होगा तो चलेगा, उस हिसाब से हमें सैंपल साइज डिसाइड करना है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, सैंपल डिजाइन हो गया, सैंपल साइज हो गया, अब सिलेक्शन ऑफ आइटम, ठीक है। सिलेक्ट आइटम फ्रॉम द सैंपल इन सच अ वे दैट ईच सैंपलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन, ये अनबायसनेस के ऊपर बात कर रहा है, मतलब हमें ऐसा मेथड यूज करना है उसमें बायसनेस होना नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड है परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन ईच आइटम सिलेक्टेड, ठीक है। इफ ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल टू अ सिलेक्टेड आइटम, जो मैंने 1000 एंट्री सिलेक्ट की उसमें से समझो 10 आइटम जैसे उस पर जो मैंने ऑडिट प्रोसीजर लगाना है वो नहीं एप्लीकेबल है, तो मुझे क्या करना है, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन रिप्लेसमेंट आइटम। रिप्लेसमेंट आइटम क्या होता है, 10 दूसरी एंट्रीज उठाऊंगा मैं पॉपुलेशन से, जो बाकी की पॉपुलेशन है यानी कि 9000 एंट्रीज, 10000 माइनस 1000 जो 9000 है उसमें से 10 एंट्रीज उठाऊंगा बाकी की, उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट आइटम, उस पे ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। इफ ऑडिटर इज अनेबल टू अप्लाई डिजाइंड ऑडिट प्रोसीजर और सूटेबल अल्टरनेट प्रोसीजर टू अ सिलेक्टेड आइटम, ऑडिटर शैल ट्रीट आइटम एस, जो हमने आइटम सिलेक्ट किए हैं यानी कि हमारा 1000 का जो पॉपुलेशन है उसमें से कुछ ऐसे आइटम्स हो सकते हैं जिसपे ऑडिट प्रोसीजर नहीं अप्लाई हो रहा है, तो उसको हमें क्या ट्रीट करना है, उसको हमें डेविएशन, कंट्रोल है तो उसको हमें डेविएशन ट्रीट करना है, और अगर ये है टेस्ट ऑफ डिटेल्स है तो हमें उसको मिस स्टेटमेंट ट्रीट करना है, ऐसा ये हमें स्टैंडर्ड बोलता है, ठीक है। आगे है नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट, जो हमें डेविएशंस और मिस स्टेटमेंट मिली उसका हमें नेचर और कॉज देखना है। इन्वेस्टिगेट नेचर एंड कॉज ऑफ एनी डेविएशन और मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड एंड इवेल्युएट देयर पॉसिबल इफेक्ट ऑन ऑडिट प्रोसीजर। अब जो ये हमें मिस स्टेटमेंट मिला टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में, या जो हमें डेविएशन मिला कंट्रोल्स के केस में, वो दो टाइप्स का हो सकता है, या तो वो मिस स्टेटमेंट जो हो सकता है वो रिपीटेटिव हो सकता है, या तो वो नॉन रिपीटेटिव हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है, आगे देखते हैं अभी, ठीक है। ये हाल फिलहाल पार्क कर लेते हैं, पहले ये देखते हैं प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट, ये किसके केस में है,
जो रिपीटेटिव है उनके केस में ये है, प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ऑडिटर शैल प्रोजेक्ट मिसस्टेटमेंट्स फाउंड इन सैंपल टू द पॉपुलेशन। हमें 1000 एंट्रीज के बेस पे जो मिला मिसस्टेटमेंट्स, उसको हमें प्रोजेक्ट करके 10,000 एंट्रीज अगर हम ऑडिट करते थे तो कितना मिसस्टेटमेंट होता था, ये हमें प्रोजेक्ट करना है। अब ये देखते हैं, इन एन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंस व्हेन ऑडिटर कंसिडर्स अ मिसस्टेटमेंट और डेविएशन डिस्कवर्ड इन अ सैंपल टू बी एन एनोमली। एनोमली क्या होता है, जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का, उसको हम एनोमली बोलते हैं, नॉन रिपीटेटिव बोल सकते हैं उसको। उसमें क्या करना है ऑडिटर को, ऑब्टेन हाई डिग्री ऑफ सर्टनटी दैट सच मिसस्टेटमेंट, जो जिसको हम एनोमली बोल रहे हैं, सच मिसस्टेटमेंट और डेविएशन इज नॉट रिपीटेटिव। पहले तो अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाओ कि जो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि ये एनोमली है, वो सच में एनोमली है कि नहीं है। वही लिखा है, ऑब्टेन हाई डिग्री ऑफ सर्टनटी, यानी कि अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलासा दिलाओ कि सच मिसस्टेटमेंट जिसको तुम एनोमली बोल रहे हो इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये जो बाकी बचा उस पर हम प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट लगाते हैं। ये फॉर्मूला है, ये ऐसे ही मैंने ही डिराइव किया है, मिसस्टेटमेंट फाउंड इन सैंपल, जो हमने 1000 में मिसस्टेटमेंट 1000 पे जो ऑडिट प्रोसीजर लगाया उस पर जो मिसस्टेटमेंट मिले, माइनस जिसको हमने एनोमली ट्रीट किया। फॉर एग्जांपल से हमें 10 मिसस्टेटमेंट मिले, उसमें से हमने एक को एनोमली ट्रीट किया, अब कितना बचा, 9 डिवाइड बाय 1000 इंटू 10,000,